अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल इजी बर्ड ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियोज मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज आपका भाई फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई प्रोग्रेस वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज माशाल्लाह फ्राइडे का दिन है और आज बरकत वाला दिन है माशाल्लाह बहुत। और जुम्मे का जो दिन होता है वैसे ही मुबारक दिन होता है बहुत। तो आज जो है हम लोग प्रोग्रेस वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। किसकी शेयर करेंगे? हम अपने 15 पेयर्स की जो कॉलोनी है उसकी शेयर करेंगे। काफ़ी दिन हो गए हमने प्रोग्रेस शो नहीं करी थी, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जिस तरीके से हमने 60 पेयर्स की दिखाई उसी तरीके से 15 की, और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग 35 पेयर की जो 35 पेयर्स हैं इसमें उनकी इंशाल्लाह हम आपको शो करेंगे। तो अभी क्या प्रोग्रेस चल रही है, गर्मी एकदम से हो गई है, घुटन हो गई थी। तो मेरे पास जो है मेरी गलती थी कि मैंने जो है अभी एहतियाती तदाबीर जो है मैंने वो नहीं की हुई थी और जो है एकदम से गर्मी आई। और इस कमरे में जो है क्योंकि यहाँ जो विंडो लगी है आपको पता है ये विंडो जो है यहाँ पे सीधे धूप आती है, तो दीवार जो है ये वाली ये फुल गर्म हो जाती है। इसकी वजह से इस कमरे में जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है और जो 60 पेयर्स की कॉलोनी है वो हमारा कमरा ठंडा रहता है क्योंकि वहाँ धूप नहीं आती, सूरज यहाँ से निकलता है। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी इसकी वजह से जो है ना काफ़ी घुटन मुझे महसूस हुई। तो मैंने बोला चलो भैया आज प्रोग्रेस देखते हैं, कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ खुदा ना खास्ता। तो जो है हम लोग प्रोग्रेस देखेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे और ख़ुद भी देखेंगे क्या प्रोग्रेस चल रही है, काफ़ी दिन से हमने भी नहीं देखी है। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी 15 पेयर्स की कॉलोनी आप लोगों को पता है जैसे कि, तो काफ़ी माशाल्लाह बच्चे तो आए हुए हैं। ये देखें नीचे ये बैठे हुए हैं माशाल्लाह बच्चे, और कुछ बच्चे जो हैं उड़ भी रहे हैं ऊपर, जो कि अभी हम लोग पकड़ेंगे इंशाल्लाह 3-4 दिन में। तो अभी जो है मेरा सारे घर का दाना पानी करके थका हुआ हूँ बिल्कुल, और जो है ना हालत बैंड हो रही है। इसकी वजह से जो है मैं बस आप लोगों के लिए प्रोग्रेस वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों का कोई भी दिन ज़ाया ना जाए। और जो लोग हमसे बोलते हैं यार हर रोज़ हमें कोई ना कोई वीडियो चाहिए, तो उनका जो दिल लगा रहे और हम भी चाहते यही हैं कि तमाम जो हैं कोई भी दिन जो है खाली ना जाए और कोई ना कोई इंफॉर्मेशन वीडियो या फिर प्रोग्रेस वीडियो या फिर कोई सी भी वीडियो आप लोगों के साथ हम लोग ज़रूर शो करें। तो अभी जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो ये देखें माशाल्लाह, आप लोग ज़रूर बोलें माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं माशाल्लाह हमारे पास निकले हुए हैं, और ये देखें एक और इस बार माशाल्लाह से एक और ये जो है म्यूटेशन का बच्चा आया है। और ये एक पीछे देखें स्नो वाइट बच्चा ही बैठा हुआ है, ये अभी इसी में से उतरे हैं कल परसों में, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ज़रूर बोलें, बड़े प्यारे से बच्चे निकले हुए हैं और अल्लाह ताला इनको सेहतमंद रखे और ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और फिर आप लोगों को दिखाते हुए जाएंगे इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। ये पहली मटकी खाली है, दूसरी मटकी में माशाल्लाह दो बच्चे हैं, लेकिन देखिए गर्मी की वजह से जो है ना इतने खिलाई पिलाई नहीं हुई भी अच्छी खासी, जैसे होती है ना कंगनी भरी हुई होती है वैसी खिलाई पिलाई नहीं हुई भी। अब क्या मतलब हर चीज़ प्रॉपर रखे हुए, और अब जो है मैंने पंखे का इंतज़ाम भी कर दिया यहाँ पर। यहाँ एक अंडा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दो अंडे हैं लेकिन अनफर्टाइल लग रहे हैं, ये भी खाली है। यहाँ पर एक बच्चा है भाई, क्या नहीं तीन बच्चे हैं यहाँ पे माशाल्लाह, एक और स्नो वाइट बच्चा माशाल्लाह अंदर बैठा हुआ है, और दो स्नो वाइट बच्चे माशाल्लाह बैठे हैं वन के अंदर, और एक जो है वो बैठा हुआ है माशाल्लाह। इसी में से वो एक स्नो वाइट उतरा है माशाल्लाह, तीन स्नो वाइट है की, और ये कॉमन के पेयर हैं, कोई स्नो वाइट नहीं लगा हुआ इसके साथ, मेल फीमेल दोनों जो है पाइड में लगे हैं, तो ये उनका पेयर है माशाल्लाह। ये खाली है, ये भी खाली है। अच्छा ये देखें माशाल्लाह बच्चे निकले हुए हैं, एक दो तीन चार पांच बच्चे हैं माशाल्लाह। यहाँ पर माशाल्लाह अंडे हैं, एक अनफर्टाइल है, पाँच फर्टाइल है माशाल्लाह। यहाँ पर माशाल्लाह पाँच अंडे हैं, पाँचों फर्टाइल है माशाल्लाह। ओहो यहाँ तो बच्चे मर गए। तो दोस्तों ये देखें, ये होता है गर्मी का मसला, ये गलती मुझसे ही हुई है और मैंने पंखे का इंतज़ाम नहीं किया हुआ था, इसकी वजह से ये मर गए। देखें ये दो बच्चे मरे हैं, इनको हम निकाल लेंगे। तो ये देखें, ये दिखाना भी ज़रूरी होता है, अगर मैं चाहता ही आप लोग को छुपा भी सकता था,
लेकिन जिस तरीके से फ़ायदा होता है उसी तरीके से नुकसान भी होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश होती है। अब हर चीज़ अच्छी अच्छी नहीं होती, अगर हर चीज़ अच्छी होने लगे तो बंदा फिर जो है ना किसी काम का नहीं है। अच्छा बुरा ऊपर नीच होती रहती है। यहाँ देखे अंडे हैं माशाल्लाह, यहाँ पर भी देखे माशाल्लाह अंडे हैं, और यहाँ पर भी माशाल्लाह अंडे हैं माशाल्लाह। यहाँ पर बच्चे हैं लेकिन नेस्टिंग बड़ी अंदर तक की हुई है उन्होंने। दो तीन बच्चे नज़र आ रहे हैं, दो तीन बच्चे हैं, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एकदम से जो गर्मी आई है ना दोस्तों, इससे जो है नुकसान किया है। ये मुझे लग रहा है कि जिससे कि हम लोग खिलाई पिलाई करते हैं हर रोज़, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बच्चे मर गए। तो यकीनन ये गर्मी का मसला था। इस कमरे में काफ़ी ज़्यादा घुटन हुई भी थी, काफ़ी ज़्यादा घुटन हुई भी थी, और जो है दो तीन दिन से हो रही थी। तो अब ये कि मैं पंखा वंखा आप जो देख रहे होंगे वो चल रहा पंखा, अब मैंने पंखा लगा दिया। इंशाल्लाह यहाँ पे एक और पंखा आ रहा है बड़ा पेडिस्टल फैन जिसे कहते हैं, वो इंशाल्लाह लेकर आएंगे, उस पर जाली लगेंगे और वो यहाँ रखा जाएगा। और फिर जो है वो बहुत तेज़ चलता है, वो पूरे कमरे को ना इंशाल्लाह ठंडा ठंडा कर देगा बिल्कुल इंशाल्लाह। तो ये आप देख सकते हैं, तो वो पिंजरा वो बाहर रखा हुआ, उसको गैलरी में लेके जाना है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद लेके जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह बाहर इसको। तो दोस्तों ये थी, ये देखें नहाने का पानी भी दिया हुआ है। तो ये थी आज की प्रोग्रेस वीडियो 15 पेयर सी के। अब देखें नुकसान भी हुआ है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी हर चीज़ का अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जिसने दो लिए हैं उसने बहुत सारे दिए भी हैं, ये नहीं है कि लिए हैं दिए नहीं हैं, लेकिन दिए भी हैं माशाल्लाह और लिए भी हैं। तो हम इनको इंशाल्लाह निकाल लेंगे, और बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉमन से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें स्नो वाइट दे रहा है, तो हमें और क्या चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो अब जो है यहाँ बच्चे निकाल लेते हैं हम लोग और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो ये भी अगर देखें अभी भी ये बचे हुए हैं, अगर किसी भाई को भी चाहिए हो तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है हमसे। इसमें क्रस्टेड के पीस हैं, ये देख सकते हैं क्रस्टेड माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितने प्यारे क्रस्टेड हैं इसके। अगर किसी भाई को भी क्रस्टेड फिंचेस का शौक है तो क्रस्टेड फिंचेस हैं इसमें, दो मेल हैं और एक फीमेल है क्रस्टेड की। अगर किसी भाई को भी चाहिए हो तो वो ले सकता है। और ये देखें ये पाइट की फ़ीमेल घूम रही है एक, और एक पाइट का मेल, ये एक पाइट की फ़ीमेल ये घूम रही माशाल्लाह ऊपर ब्राउन वाइट। ये सिल्वर का मेल है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। और एक ये वाइट कलर की फ़ीमेल है, ये भी स्नो वाइट ही है, इसके अंदर भी कोई स्पॉट वगैरह नहीं है, भी स्नो वाइट ही लगती है, ये फ़ीमेल है। और ये देखिए एक अंदर बैठा हुआ क्रस्टेड का पीस, ये पेंगुइन के, ये देखें एक पेंगुइन का पीस ये रहा, और एक पेंगुइन का पीछे मटकी के ऊपर है, लेकिन वो बहुत ही लाइट में, बहुत लाइट है वो कलर। अच्छा एक ये ब्लैक चिक ब्लैक ब्रस्टेड का ये मेल है, पट्टा हमारे पास निकला हुआ है, कॉमन से निकला हुआ ये। अगर इसके साथ 2B की फ़ीमेल लगाएंगे तो इंशाल्लाह म्यूटेशन बच्चे ही निकालेगा। किसी भाई को भी चाहिए हो तो वो रब्ता कर सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आप लोग बताएं कि ये प्रोग्रेस वीडियो कैसी थी। 15 पेयर की थी, कुछ खास नहीं है, लेकिन अलहमदिल्ला फिर भी अंडे आए हुए हैं। और अब जो है हमें थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, पंखे वंखे लगाने पड़ेंगे, आप लोग भी लगाएं। और जिस तरीके से हमसे गलती हुई है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, क्योंकि इस सेटअप की पहली गर्मियाँ थी, हमें इतना अंदाज़ा नहीं था। तो ये कि अलहमदिल्ला इंशाल्लाह हम लोग जो है ख्याल रखेंगे, और जो है इस सेटअप को इंशाल्लाह हम लोग ठंडा कर देंगे इंशाल्लाह। और अब यहाँ पोछा ऊँचा भी लगाया करेंगे, ढीला दिखाएंगे, ताकि जो ठंड रहे इस कमरे में, और पिंजरे जो है घुटन से मरे नहीं या गर्मी की वजह से मरे नहीं इंशाल्लाह। इस हम ये पूरी करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखें। ये मान अल्लाह हाफिज़।